चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। पाली क्या है, इसका राजस्थान राज्य में क्या महत्व है, और यदि पाली शहर का परिचय देना हो तो कैसे दिया जाए। राजस्थान राज्य के दक्षिण मध्य भाग में बसा पाली जनपद एवं पाली संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय। जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य का 13वां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र। RJ 22 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत जनपद। मारवाड़ में जोधपुर के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा शहर पाली। दक्षिण में सिरोही की ओर से आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित पनिहारी बाईपास चौराहा से पूर्वोत्तर में बाईपास होकर ब्यावर जयपुर की ओर निकल जाता है। पनिहारी बाईपास से पश्चिम में सड़क बाईपास होकर जोधपुर की ओर एवं उत्तर की ओर सड़क मुख्य पाली शहर में प्रवेश करती है। इस मार्ग को शहर में सुमेरपुर मार्ग के रूप में जाना जाता है। पाली शहर एवं इसमें समा चुके क्षेत्रों को जोड़कर पाली शहर में वर्तमान में लगभग 285,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य का 13वां एवं पाली संभाग का सबसे बड़ा शहर है। पाली की गणना राज्य के सबसे विकसित एवं संपन्न शहरों में की जाती है। सुमेरपुर मार्ग उत्तर में बढ़ते हुए शहर के टैगोर नगर, केशव नगर आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए केंद्रीय बस स्टैंड से होकर गुजरता है। पाली बस अड्डा से दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर समेत राजस्थान राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शहरों में आवागमन हेतु सीधी बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। सुमेरपुर मार्ग बस स्टैंड से उत्तर में व्यास चौक की ओर बढ़ जाता है। मांडी नदी के सेतु को पार कर सुमेरपुर मार्ग शहर के कवाड़ चौक से होकर गुजरता है। कवाड़ चौक से पश्चिम में सड़क मंडिया बाईपास रोड औद्योगिक क्षेत्र की ओर एवं उत्तर में सुमेरपुर मार्ग व्यास चौक की ओर बढ़ जाता है। उत्तर में बढ़ते हुए सड़क थोड़ी ही दूरी पर स्थित शहर के व्यास सर्किल चौक पर पहुंचती है। व्यास चौक शहर के व्यस्त चौराहों में एक है। यहां से पश्चिम में एक मुख्य सड़क पुराना बस स्टैंड चौराहा की ओर जोड़ती है। व्यास चौक से उत्तर में बांगड़ स्कूल तिराहा स्थित है, जहां से पूर्वोत्तर में कॉलेज मार्ग प्रारंभ होता है। बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय से उत्तर की ओर कचहरी मार्ग प्रारंभ होता है। कचहरी मार्ग चंद कदमों की दूरी पर शहर के कचहरी चौराहा पर पहुंचता है। कचहरी चौराहा को महावीर चौक के रूप में भी जाना जाता है। यहां पूर्व की ओर पालिका जिला न्यायालय का परिसर स्थित है। कचहरी चौराहा के निकट ही पुलिस अधीक्षक पालिका कार्यालय एवं जिला कलेक्टर पालिका प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थित हैं। कचहरी चौराहा से पश्चिम में नवलखा रोड मुख्य बाजार की ओर एवं उत्तर में कचहरी मार्ग सूरजपोल चौक की ओर बढ़ जाता है। पाली लंबे समय तक मारवाड़ साम्राज्य का अंग रहा है। यह ब्रिटिश काल से ही एक बड़ी व्यापारिक मंडी के रूप में अपनी पहचान रखता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान राज्य का सृजन होने पर पाली को एक जिले के रूप में पहचान मिली। कचहरी मार्ग उत्तर में बढ़ते हुए शहर के सूरजपोल चौक पर पहुंचता है। सूरजपोल चौराहा पाली शहर का हृदय केंद्र है। यहां सदैव भीड़भाड़ बनी रहती है। सूरजपोल से पूर्व में लोढ़ा स्कूल रोड कॉलेज मार्ग से जोड़ता है। उत्तर में सड़क अंबेडकर चौक रेलवे स्टेशन की ओर एवं पश्चिम में सूरजपोल से सोमनाथ मंदिर को जोड़ने वाला सोमनाथ मंदिर मार्ग प्रारंभ होता है। सोमनाथ मंदिर मार्ग पूर्णतः व्यापारिक बाजार के रूप में विकसित हो चुका है। पाली जनपद वर्तमान में 8 तहसील एवं 8 उपखंडों में विभाजित है। हाल ही में पाली के जैतारण एवं रायपुर तहसीलों को पाली से विभाजित कर नवसृजित ब्यावर जनपद से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर मार्ग अपने पश्चिमी छोर पर शहर के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से जोड़ता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर शहर में आस्था का मुख्य केंद्र है। सूरजपोल से उत्तर की ओर रेलवे स्टेशन मार्ग अंबेडकर चौक की ओर बढ़ जाता है। विकसित पाली की छवि यहां स्पष्ट दिखाई पड़ती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर सड़क अंबेडकर चौक से गुजरती है। अंबेडकर चौक भी शहर के महत्वपूर्ण चौराहों में एक है। इसी चौराहे के निकट
बांगड़ चिकित्सालय का परिसर भी स्थित है। अंबेडकर चौक से दक्षिण पूर्व में नहर रोड कॉलेज मार्ग से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन मार्ग अंबेडकर चौक से उत्तर में रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। पाली जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु संपूर्ण पाली जनपद को 5 पुलिस सर्किल एवं 23 थाना कोतवाली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पाली शहर क्षेत्र को कुल 4 थाना कोतवाली क्षेत्रों कोतवाली शहर, कोतवाली सदर, थाना औद्योगिक क्षेत्र एवं थाना ट्रांसपोर्ट नगर में बांटा गया है। पाली जनपद में कुल 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पाली, सोजत, बाली, मारवाड़ जंक्शन एवं सुमेरपुर हैं। पाली के स्थानीय निवासी पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। रेलवे स्टेशन मार्ग अपने उत्तरी छोर पर शहर के सुभाष चौक पर पहुंचता है। सुभाष चौक शहर के मुख्य चौराहों में एक है। इसके उत्तर में पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन का परिसर स्थित है। पाली रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म स्थापित हैं, जहां कुल 50 रेलगाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। पाली से राजस्थान समेत जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि राज्यों में आवागमन हेतु रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुभाष चौक से पश्चिम की ओर सड़क जोधपुर मार्ग के रूप में जोधपुर की ओर बढ़ जाती है। यह सड़क सरदार पटेल नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आदि से होते हुए जोधपुर की ओर प्रस्थान कर जाती है। सुमेरपुर मार्ग स्थित व्यास चौक से पश्चिम की ओर सड़क पुराना बस स्टैंड की ओर बढ़ जाती है। विवेकानंद चौक से होते हुए आधुनिक सड़क शहर के व्यस्त क्षेत्र पुराना बस स्टैंड चौराहा पर पहुंचती है। पुराना बस स्टैंड शहर के अति व्यस्त क्षेत्रों में एक है। यहां से उत्तर की ओर सड़क शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है। कुछ ही दूरी पर सड़क शहर के महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचती है। राणा प्रताप चौक से उत्तर में सब्जी मंडी मार्ग, पूर्व में नवलखा रोड एवं उत्तर पश्चिम में शहर का गुलजार चौक बाजार स्थित है। गुलजार चौक बाजार से उत्तर में बढ़ते हुए सड़क उदयपुरिया बाजार में प्रवेश कर जाती है। उदयपुरिया बाजार शहर का अति व्यस्त बाजार है। शहर का गोल नीमड़ा, सर्राफा बाजार आदि क्षेत्र इसी मार्ग पर स्थित है। उदयपुरिया बाजार में दोनों ओर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। महाराणा प्रताप चौक से उत्तर में जाने वाला सब्जी मंडी मार्ग भी शहर के महत्वपूर्ण बाजारों में एक है। यह मार्ग उत्तर में रुई कटला मुख्य बाजार तक विशाल आकार में फैला हुआ है। पुराना बस स्टैंड चौराहा से पश्चिम में मुख्य मंडिया मार्ग प्रारंभ होता है। मंडिया मार्ग शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सम्मिलित होता है। यह मार्ग पाली को भावरी कुलथना होते हुए आहोर जालौर से सीधा जोड़ती है। शहर के बांगड़ हाई स्कूल तिराहे से पूर्व में शहर का कॉलेज मार्ग प्रारंभ होता है। इस मार्ग पर स्थित राजकीय बांगड़ कॉलेज के कारण इस मार्ग को कॉलेज मार्ग के रूप में जाना जाता है। कॉलेज मार्ग पर शहर के इंदिरा कॉलोनी, नया गांव, कृष्णानगर आदि क्षेत्र बसे हुए हैं। यह मार्ग पूर्वोत्तर में सोजत बर होते हुए ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। पाली जैसे ऐतिहासिक महत्व वाले शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। पाली शहर पर बनाए यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो पाली शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।